read the disclaimer carefully. It is not an investment recommendation whether to buy, sell or hold the stocks mentioned in this video. It is only for educational purpose. Hello viewers, welcome to my channel. इस वीडियो में हम 9 नवंबर के लिए इंट्राडे का ट्रेड सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीकेंड को एक रिकॉर्डेड Q&A सेशन का प्लान कर रहा हूं, तो आप इसके लिए अपना क्वेरीज निफ्टी 50 स्टॉक्स के ऊपर पूछ सकते हैं। इसके लिए आप #Q&A with SPT को यूज़ कर सकते हैं और आप अपने क्वेरीज को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। कल मुहूर्त ट्रेडिंग के शुभ अवसर पर मार्केट 84 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद इंट्राडे में 10,582 पे अपना लो बनाया और आखिरी में इसने 10,598 पे अपना क्लोजिंग दिया। अभी हम कुछ ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस की ओर रुख करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं डाउ जोन्स कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद 461 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। वैसे ही S&P 500 50 पॉइंट्स और NASDAQ 166 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। अगर हम निफ्टी 50 के फ्यूचर की ओर देखें तो ये अभी के करंट लेवल से 90 पॉइंट्स के आसपास ऊपर चल रहा है, जिससे हमें ये अनुमान कर सकते हैं कि 9 नवंबर को मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। अगर हम फॉरेक्स मार्केट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम देख पाएंगे अभी इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 72.53 लेवल का चल रहा है, और अगर ये लेवल और नीचे आता है तो हम मार्केट में पॉजिटिव रैली को देख पाएंगे। अभी हम निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10,500 के लेवल्स पे 1.95 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और इस लेवल पे अभी 21,63,225 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है। तो ये लेवल 9 नवंबर के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल बन जाता है। और अगर कॉल साइड में हम चेक करें तो 10,700 के लेवल्स पे कॉल की अनवाइंडिंग हुआ है, लेकिन फिर भी इस लेवल पे अभी भी 24,01,950 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है। तो ये लेवल कल 9th नवंबर के लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, पर्सनल फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड कलर के बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। कल मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बैंक निफ्टी लगभग 220 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई और आखिरी में इसने 25,737.5 पे अपना क्लोजिंग दिया। अभी हम इसका ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,500 के लेवल्स पे अभी 89,920 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और इस लेवल पे 4.47 लाख कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है। तो ये लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन जाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। और अगर हम कॉल साइड में चेक करते हैं तो हम देख पाएंगे कॉल साइड पे 26,000 के लेवल्स पे 69,100 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और इस लेवल पे 5.54 लाख कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है। तो ये लेवल 9 नवंबर के लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। अभी हम निफ्टी 50 के शेयर्स को देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ITC के शेयर में अभी 1% का एक अपट्रेंड को देखा गया, वैसे ही टाटा मोटर्स में 0.83% का एक अपट्रेंड को देखा गया है। अगर हम टाटा मोटर्स के टेक्निकल चार्ट की ओर देखें तो यहाँ हम देख पाएंगे रिसेंटली इसके चार्ट में सुपर ट्रेंड ने एक बाई सिग्नल जनरेट किया हुआ है और वॉर्टेक्स में भी यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है। और अगर हम MACD की ओर देखें तो इसने भी एक बाइंग सिग्नल 2-3 दिन पहले 29 अक्टूबर को जनरेट हुआ है। तो इसमें से ये पता चलता है
टाटा मोटर्स का शेयर आगे भी ऐसे अपट्रेंड को फॉलो करता हुआ ऊपर की ओर जा सकता है। अगर हम इसका टेक्निकल्स की ओर देखते हैं तो ये अपने डेली टेक्निकल्स पे अभी 6 मूविंग एवरेजेस में बाय कॉल जनरेट कर रहा है, वैसे ही ये अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स में स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट कर रहा है, तो ये अपना रैली को बरकरार रख सकता है। अभी हम इसका ऑर्डर बुक को चेक कर रहे हैं। इसका ऑर्डर बुक पे हम देख सकते हैं कल के मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसमें 39,32,893 स्टॉक्स शेयर हुए थे, ट्रेड हुए थे, जिनमें से 14,58,573 शेयर्स डिलीवर हुए और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी था वो था 37.09%। आगे हम इसका ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 180 के लेवल्स पे अभी 11,58,000 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है, तो ये लेवल अभी के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन जाता है। अगर हम कॉल साइड में देखें तो कॉल साइड में 200 के लेवल्स पे 88,500 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और इस लेवल पे अभी 36,31,500 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है, तो ये लेवल कल के लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। अभी हम ITC का टेक्निकल चार्ट को देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अभी भी सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल बरकरार रखा है और अगर हम वॉर्टेक्स की ओर देखें तो यहाँ पे इसने अपना बाइंग सिग्नल को कैंसिल करते हुए सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है और अभी MACD में यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता हुआ दिख रहा है, तो अभी के लिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो आगे हम इसका टेक्निकल्स की ओर देखेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसके डेली टाइम फ्रेम में ये अभी मूविंग एवरेजेस में सेल कॉल जनरेट कर रहा है, वैसे ही ये अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स में भी स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट कर रहा है। अभी हम इसका ऑर्डर बुक की ओर देख पा रहे हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसमें 9,57,000 शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिनमें से 5.82 लाख शेयर्स डिलीवर हुए और 60.91% के शेयर्स डिलीवरी परसेंटेज देखा गया। आगे हम इसका ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 280 के लेवल्स पे 10,96,800 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है, तो ये लेवल अभी के लिए टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि इस लेवल पे अभी पुट की अनवाइंडिंग हुआ है। वैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं 270 के लेवल्स पे 10,75,200 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है, तो ये लेवल कल के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन जाता है। और 260 के लेवल्स पे अभी 19,65,600 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है, तो ये लेवल नवंबर के एक्सपायरी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाता है। अगर हम कॉल साइड में देखें तो यहाँ पे देख पाएंगे 290 के लेवल्स पे 28,08,000 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है, लेकिन ये लेवल पे अभी कॉल की अनवाइंडिंग हुआ है, तो ये लेवल अभी के लिए एक वीक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। और 300 के लेवल्स पे हम 1.34 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ देख पाएंगे और इस लेवल पे आपको 41,18,400 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये लेवल नवंबर के एक्सपायरी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन के उभर सकता है। सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो।